औरंगाबाद में एक्सिस बैंक के एटीएम चुराने का मामला सामने आया। चोर कार में लाद का पूरा एटीएम ले गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। पुलिस ने गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में एटीएम चोरी का मामला दर्ज किया। राजधानी दिल्ली में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के तुगलकाबाद से सामने आया है, जहां चोरों ने एटीएम मशीन ही चुरा ली। ये एटीएम मशीन एक्सिस बैंक की है। यहाँ पे रात को करीब 1-1.5 बजे के आसपास गाड़ी लगी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखा, वो एटीएम पूरा तोड़ के और साथ में ले गए। तो चोर कितने चोर थे, कितने दिख रहे हैं? सर देखिए सीसीटीवी फुटेज में दो बंदे आ रहे हैं जिन्होंने मंकी कैप पहनी हुई है। इसके अलावा उसमें कोई भी नहीं है, शायद एक ड्राइवर भी होगा उसके अलावा। और थोड़ी दूर पर मेरी गाड़ी के बगल में उन्होंने गाड़ी लगाई है। और जब सारी प्रिपरेशन हो गई गाड़ी मशीन निकालने की, उन्होंने गाड़ी पीछे अपनी यहीं पर लगा के और उसमें डाली मशीन और ले गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर लोगों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में एटीएम चोरी का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे कार्यवाही शुरू करते हुए एटीएम लूटने वालों की तलाश करने के लिए कई टीमें बनाई हैं। रात को करीबन 1 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी में 2-4 लड़के आए, अपना एटीएम उखाड़ के ले गए। सीसीटीवी फुटेज में, और सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है, उसमें क्या दिख रहा है? 1 बजे करीबन आए स्कॉर्पियो गाड़ी में, दो बंदे उतरे उसमें से, बाकी गाड़ी मोड़ के लगा के ले गए। दिल्ली पुलिस एटीएम कैबिन में लगे सीसीटीवी और आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। हालांकि फिलहाल ना ही चोरों को पता चल पाया है और ना ही अभी इस बारे में कोई जानकारी है कि चुराई गई एटीएम में कितना पैसा था। फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस ने बैंक से मांगी है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त में आते हैं। दिल्ली डेस्क।